हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छे से होगी। दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूँ आज की फ्रेश वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गोवा में लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है 1 वीक और आगे, मतलब 21 तारीख तक अब यहाँ पे लॉकडाउन है। तो जो भी लोग गोवा आने का प्लान कर रहे थे 14 के बाद, अभी मेरा जो सजेशन है वही है कि अभी आप 21 के बाद आइए, क्योंकि अभी लॉकडाउन है तो आप कहीं रूम लेने में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो मेरा यही है कि आप 21 के बाद यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। चलिए बात करेंगे आज की वैकेंसी के बारे में। देखिए, वैकेंसी जो है वो विक्टर हॉस्पिटल में निकली गई है मड़गांव में। जो भी लोग मड़गांव जाके जॉब करना चाहते हैं या जो लोग मड़गांव के नियर बाय रहते हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पोजीशन की बात करें तो पोजीशन जो है वो है एसी टेक्नीशियन की और इलेक्ट्रिशियन की। टोटल 8 वैकेंसीज हैं, 4 एसी टेक्नीशियन की और 4 इलेक्ट्रिशियन की। ठीक है, जिनको भी इसके रिलेटेड काम आता है वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ में आप अगर फ्रेशर भी हैं और अगर आप के पास बेसिक नॉलेज भी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है वो कोई डिसाइड नहीं की गई है कि क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप 10th हैं, 12th हैं या अगर आप नहीं पढ़े लिखे हैं बट आपको काम आता है इलेक्ट्रिशियन का, आपने कभी काम किया हुआ है या अभी आप काम कर रहे हैं और जॉब चेंज की तलाश में इधर उधर जा रहे हैं तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कैसे करना है अप्लाई। उससे पहले बात कर लेते हैं इसमें सैलरी की। देखिए, सैलरी जो होने वाली है वो डिपेंड करेगी आपके एक्सपीरियंस पे। अगर आप फ्रेशर हैं तो जो भी स्टार्टिंग सैलरी फ्रेशर को दी जाती है वो आपको भी दी जाएगी। ड्यूटी आवर्स की बात करें दोस्तों, तो ड्यूटी आवर्स 8 घंटे की होने वाली है और डिपेंड करता है कि अगर 8 घंटे की तो जॉब ये है, ये तो फिक्स है कि आपको 8 घंटे काम करना है। और प्लस में अगर आपको ओटी कैसे मिलेगा मैं आपको ये बताता हूँ। मान लीजिए आपको 3 शिफ्टों में काम करने के लिए चुना जाता है, तो अगर आप एक शिफ्ट में काम कर रहे हैं, नेक्स्ट शिफ्ट में आपका जो है आपका साथ का बंदा वो नहीं आया है तो भी आपको शायद रुकना पड़ जाए और उसके यहाँ पे आपको ओटी मिलेगा 8 घंटे और। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हैं इसमें आप। और अगर आपको एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, एसी रिपेयर का, या आपने किसी शहर में एसी का काम किया है तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। और आपको इसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा और जो भी लोग डायरेक्टली जाके वहाँ पे जॉब के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं वो डायरेक्टली विक्टर हॉस्पिटल में जाके जॉब के लिए पूछ सकते हैं और वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं, क्योंकि अभी वैकेंसीज ओपन है, अभी वैकेंसीज चल रही है, वहाँ पे इंटरव्यू चल रहे हैं। तो जो भी लोग अभी यहाँ हैं वो जाके वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके उसको ओपन करके अपना इसमें CV सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लोग इसके रिलेटेड कोई जिनको क्वेरी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बाकी जो डायरेक्टली मैसेज जुड़ना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल मत करना क्योंकि हो सकता है मैं कॉल रिसीव ना कर पाऊँ आप लोगों का, तो व्हाट्सएप करें या कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों का। ठीक है, और देखिए, गोवा में अभी क्या है, मानसून का सीजन आ चुका है, काफ़ी हैवी रेनफॉल हो रहा है, रोज पूरे दिन बारिश होती है ज़्यादातर। तो मैं प्रीफर करूँगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं एक तो 21 तारीख के बाद आएँ, और अगर आप अभी आने का प्लान कर रहे हैं तो पूरा प्लानिंग करके आए, रूम के लिए सोच के आए कि किस लोकेशन पे रूम लेना है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो भी आप यहाँ आके जॉब सर्च कर सकते हैं, इजीली आपको जॉब मिल जाएगी, बस आपको ट्राई तो खुद से करना पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, रूम से रिलेटेड या किस लोकेशन पर रुकना चाहिए, कैसे आना है, ये सब मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों से जो भी जॉब की तलाश में गोवा आने का प्लान कर रहे हैं, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने स्टेट का नाम जरूर मुझे शेयर करें। ठीक है, और अपना जो भी फैमिली सर्कल में जो भी लोग जॉब के लिए इधर उधर जाना चाहते हैं वो लोग से वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।